नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जैसा कि हमने मतलब एक इमेज डाली थी कम्युनिटी के ऊपर कि एक डब्बा मतलब यहाँ पर हम खोलने वाले हैं, तो वो डब्बा जो है कौन सा है, तो उसकी बात हम कर लेते हैं। वो है ये मतलब माइक्रोमैक्स से इन्फिनिटी का जो है बॉक्स मुझे मतलब मिल गया है कहीं से, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूँ। काफ़ी बजट फ़ोन है, काफ़ी अच्छी प्राइस के अंदर है, आप इसे आराम से ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जितना इसकी प्राइस है उतने से भी ज़्यादा मतलब आपको इसके अंदर मिल रहा है। तो खोलते हैं इस डब्बे को, और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके सामने मिलता है बेल आइकन, दबाने से नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इसे खोल लेते हैं। दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस डब्बे की, तो इसमें से देखते हैं क्या क्या निकलता है। सबसे पहले तो मैं इसका एयर पर हटा देता हूँ और यहाँ से जो है देख लेते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ इसके अंदर मतलब क्या क्या यहाँ पर होने वाला है। कुछ ठीक से 18:9 की जो हाई स्क्रीन रेडियो आपको यहाँ पर मिल जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलता है 16 मेगापिक्सल का, जो कि 2x2 UM यहाँ पर होने वाला है, और अपर्चर 2.0 के साथ आता है। मतलब काफ़ी बढ़िया जो है कैमरा आपको सेल्फी के लिए यहाँ पर मिल जाता है। और रियर कैमरा मिलता है आपको यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का, जो कि अपर्चर 2.0 मतलब सेम अपर्चर है दोनों के, इसके साथ आता है। और 5.7 इंच की जो है HD IPS डिस्प्ले मिलती है आपको, और डिस्प्ले के यहाँ पर 1440x720 पिक्सल यहाँ पर दे रखे हैं। मतलब इतने में तो आराम से मतलब आपका काम चल जाएगा, और TGB सपोर्ट कर लेता है। सुपर पिक्सल डेंसिटी जो आपको इसमें मिल जाती है, स्माइल शॉट, रियल टाइम में वोकल सेल्फी वगैरह जो है आपको सब कुछ इसमें मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रैम की, तो 3 GB इसमें रैम मिलती है, 32 GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है, और मेमोरी कार्ड भी आप इसमें लगा सकते हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का जो इसमें CPU दिया गया है, और इस CPU जो है एंड्रेनो 308 GPU जो है उसको भी सपोर्ट करता है ग्राफिक्स के लिए। और इसके अंदर जो है 2.0 क्विक चार्ज टेक्नोलॉजी भी होती है CPU के अंदर, लेकिन अभी मैं चेक करूंगा इसमें है या नहीं है। और दोस्तों इस CPU की क्लॉक स्पीड यहाँ पर 1.4 GHz है, और CPU के अंदर मतलब क्वाड कोर CPU आप इसे मतलब कह सकते हैं। 4X ARM Cortex A53 जो है इसके अंदर चलता है, 64 बिट का जो है इसका आर्किटेक्चर है। मतलब कुल मिलाकर पैसा वसूल यहाँ पर हो जाता है। तो आगे खोल लेते हैं इस डिब्बे को, और जो इसमें क्या क्या यहाँ पर हमें मिलता है। थोड़ा बहुत जो इसका मैं सील पहले ही हटा चुका हूँ। सबसे पहले हमें मिलता है यहाँ पर ये मोबाइल, और इसके अलावा देख लेते हैं और इसमें क्या क्या है। तो ये मैं रख देता हूँ साइड में। इसके अंदर कवर, इसके अंदर है कवर, और बैटरी जो है मैंने निकाल कर पहले फ़ोन में डाल दी थी। एक चार्जर यहाँ पर हमें मिलता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चार्जर जो है 5 वोल्टेज VDC पावर देता है, और 1500 mAh यहाँ पर बताया गया है। मतलब पूरा 2 एम्पियर का भी नहीं है चार्जर, ठीक है अगर मोबाइल को चार्ज कर देता है तो। काफ़ी छोटा सा चार्जर है। एक यहाँ पर जो हमें मिलती है USB केबल, जो कि माइक्रो USB है, और एक ये मिलते हैं हल्के फुल्के से नॉर्मल से हेडफोन मतलब ईयर गाने वगैरह सुनने के लिए, जो भी आप समझे, इनको इनको रख देते हैं साइड में। और इसका जो है यहाँ से रेट पर हटा लेते हैं थोड़ा, तो देखते हैं इसमें और क्या क्या मतलब निकल के आता है। इसको रख देते हैं साइड के अंदर हटा के, और अब इसको मैं ऑन करता हूँ। जैसा कि हमने आप बात की थी कि 18:9 वाली जो है वो डिस्प्ले मिलती है चारों ऊपर नीचे से, जो है सैमसंग गलेक्सी S8 S8 Plus जो हैं उनके जैसा यहाँ पर लगभग ये दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छा। अब इसे पावर ऑन कर लेता हूँ। पावर्ड बाई एंड्रॉयड यहाँ पर शुरू में ही मतलब लिखा आ गया, तो आगे देख लेते हैं और इसमें क्या क्या है। जब तक ये ऑन होता थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लगा हुआ है 16 मेगापिक्सल का सेंसर, साथ में ईयर पीस मिलता है, और इधर जो है लाइट एम्बियन वगैरह सेंसर मिलते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर, बीच में मिलती है फ्लैश लाइट, और ऊपर मिलता है 13 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसके ऊपर मिलता है HD माइक्रोफोन। नीचे की ओर मिलते हैं आपको ये स्पीकर, अगर आप देख पा रहे हैं तो। इधर जो है पावर की है, और उसके साथ जो है वॉल्यूम अप डाउन की कीज़ हैं, और ऊपर मिलता है यहाँ पर हेडफोन कनेक्टर, और नीचे आपको मिल जाता है यहाँ पर USB और चार्जिंग का मतलब माइक्रो USB पोर्ट, ये आपको मिल जाता है यहाँ पर। उसी के साथ मिलता है माइक्रोफोन का एक होल। तो बस यही सेटअप है चारों तरफ से। अब ये खुल जाए तो अंदर और देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ओपन हो गया है। इसमें ओपन होने में थोड़ा सा यहाँ पर मतलब टाइम लगता है, जल्दी से जो है पावर अप नहीं होता है। लगभग 30-40 सेकेंड ये ले लेता है पावर अप में, तो बीच में थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पर कट कर दिया मैंने टाइम बचाने के लिए। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है, एंड्रॉयड वर्जन वगैरह कौन सा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेटिंग है, इसमें सिम कार्ड भी मैंने नहीं डाला है। ये काफ़ी सारी जो नॉर्मल बेसिक सेटिंग आती हैं वो हैं,
अब देखते हैं इसके अंदर सिस्टम अपडेट है अबाउट फ़ोन, तो इसमें जो है नुकट वर्जन दिया गया है माइक्रोमैक्स से HS2 इसका मॉडल है, क्वाड कोर इसके अंदर दिया गया है। फ़ोन स्टोरेज जो है 32 GB यहाँ पर बताया गया है, रनिंग मेमोरी 3 GB की यहाँ पर बताई गई है, 7.1.2 जो एंड्रॉयड वर्जन में भी जो इसके अंदर रन कर रहा है। बस यही जो है इसकी अभी इंफॉर्मेशन है, और देख लेते हैं इसके अंदर नॉर्मल है सब कुछ, बेसिक है, काफ़ी अच्छी है वो, ऊपर से नीचे तक जो है आप इस डिस्प्ले को देख सकते हैं। इधर बैटरी का यहाँ पर कॉर्नर दिया है, इधर टाइमिंग यहाँ पर दी गई है, तो कुल मिलाकर जो है काफ़ी ठीक ठाक है। तो ये मोबाइल आप ले सकते हैं, बजट फ़ोन है, 9,999 रुपये इसकी प्राइस है। काफ़ी कुछ जो है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, काफ़ी मतलब बढ़िया मोबाइल है देखने में। तो थोड़ा सा इसका जो है कैमरा क्वालिटी भी देख लेते हैं, तो ये जो है 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छे से सब कुछ यहाँ पर हमें दिख रहा है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है कैमराज की भी। तो कुल मिलाकर देखें तो काफ़ी बढ़िया है मोबाइल है, आप ले सकते हैं। मैंने मतलब जितनी इसके बारे में स्टडी की उतना आप मैंने आपको बता दिया, और जितना इसके ऊपर लिख रखा था उतना बता दिया। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे वीडियो रोज़ देखते रहने के लिए, और लाइक कर दें वीडियो, शेयर कर दें। अगर आपका कोई सवाल कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।